हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयदासी। आज मंगलवार का दिन है, महाकाली का दिन है। आज धावजी पाटिल जी के बोलने पे, दादा के बोलने पे मैंने महाकाली को फूलों की माला चढ़ाई और अभी मैं मंदिर जा रही हूँ। पूजा हो चुकी है, मैंने कहा ना महाकाली संपूर्ण मुठ मारा है मैंने। कल मुझे दो तीन जनों ने व्हाट्सअप पर किया कि माँ ये महाकाली संपूर्ण मुठ क्या होता है। ये महाकाली संपूर्ण मुठ ऐसे होता है कि अगर इसको आप किसी के नाम से मारते हो, है ना, ज़्यादा नहीं 10,000 मंत्र करके भी अगर किसी के नाम से हम मारते हैं तो ये ऐसा होता है कि आदमी जगह पे ख़त्म हो जाता है। मतलब उसको लकवा मार देगा या कुछ होगा या उसके करने की किए की सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन मैं इसका तरीका नहीं बताऊंगी किसी को। जिसको भी ये चाहिए तो मैं भले करके दूंगी, क्योंकि ये तरीका नहीं बता सकती मैं। क्योंकि तरीका जो हम करते हैं ना, उसके लिए पहले शमशान काली सिद्ध होनी ज़रूरी है। जिसके पास शमशान काली और काल भैरव सिद्ध है, जैसे हमारे पास धावजी दादा सिद्ध है, सिद्ध है, उसके बाद ही होता है। अभी आज हमने किया है, धावजी मंदिर में अभिषेक करवाया बाबा का, क्योंकि वहाँ के पंडित ने बोला है कि माँ इधर आपको मुर्गा ये सब चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बाबा का अभिषेक करवाते हो ना, वही उनको बहुत पसंद है और कुछ नहीं। और अभी काड़ूबाई में भी मेरे भाई हैं, वहाँ पर संकेत भाई, वो भी गए वहाँ पर माँ को ओटी भर रहे। यहाँ पर भी मैंने माता की पूजा की, क्योंकि धावजी मंदिर का, धावजी का देखिए मैंने अलग से उनका स्थापना किया है, आपको दिख रहा होगा ना, क्योंकि उन्होंने परसों सवारी लेके कहा था कि मेरे को ये सबके साथ बांट रही है, मेरा स्थान अलग दे। जैसे इनकी बा का स्थान इन्होंने अलग दिया, मेरा स्थान अलग दे, तो मैंने इनको स्थान अलग दिया है। पूजा चालू है, सुबह सुबह मैंने भी उठ के उनके कहने पे लाल फूलों की माला चढ़ाई, सब की मुठ मारी। ये मुठ इतनी खतरनाक होती है ना, मतलब महाकाली की सिद्धि जिसने भी प्राप्त की हो, शमशान महाकाली की, उसके बाद जो मंत्र देते हैं ना, वो मंत्र इतना पावर रहता है। अगर किसी के नाम से 1.25 लाख मंत्र हो जाए, किसी के नाम से अपने 1.25 लाख मंत्र करवा लिया, ये बात पक्की कि 72 घंटे में उस इंसान की मौत हो जाएगी। कुछ भी होगा, उसको हार्ट अटैक आएगा या उसको खून की उल्टियाँ होंगी या एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होके वो हो जाएगा, ऐसी बात है। तो हमने कर दिया है। देखिए मुझे ना बुरा क्या लगता है ना, कल के लिए मैंने गाली दी थी, सॉरी, लेकिन मैंने क्यों किया मालूम है आपको? क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेते। मेरी माँ बगलामुखी की कसम, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेती हूँ। यहाँ पे पूछो, मेरे घर में योगिता वो भी रहती है, मेरी कल अनु जी लोग आए थे, मैं सिर्फ जब बाबा जी की सवारी आई थी, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए रो रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बात मेरे घर में रहने वाली जो काम कर रही है उसको तक दिखता है कि जब जब हमने भगवान के सामने ये अर्जी लगाई कि जो भी मेरे बच्चे के पीछे पड़े ना भगवान, उसको आप छोड़ना नहीं, आप यकीन नहीं मानोगे, अचानक से हमको सिर्फ एक ही बच्चे की खबर आती है, हर बार एक ही बच्चे की खबर आती है। फिर मुझे बुरा क्या लगता है मालूम है? उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं है। कल ही मैंने हाजिदा को, स्नेहा को, सबको ही अल्टीमेट दिया कि उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे पे बार बार वार आता है ना, उस बच्चे को मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ, क्योंकि उसकी उसमें कोई गलती नहीं, वो बेचारा मासूम है, वो इन सब में क्यों पीसे। मैंने बोला जिसके कीड़े उसको दो ना दादा, धावजी पाटिल को मैंने आज कहा जिसके कीड़े उसको दो, उस कमीनी औरत को दो, क्योंकि ये बात खुला आ जाता है। 2-3 औरतें हैं ऐसी, यहाँ 3 जन की बात बता रही हूँ, तो तीनों के घर में एक जगह तो वो औरत ही बीमार पड़ती है, दूसरी जगह ये बच्चे पे वार आ जाता है, भले छोटा मोटा लेकिन आता है। आप सोचो, जिस मासूम की कोई गलती नहीं, वो अपने अपनी कहते ना माँ बाप की करने की सज़ा भुगत रहा है। लेकिन मैं सच बोलती हूँ, आज मैंने जो पूजा की है ना, पहले मैंने उस बच्चे को सेफ किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं एक माँ हूँ, मैंने ऑलरेडी 3 बच्चे जने और एक चौथा मेरे पेट में, बच्चा नहीं हो रहा उसका दुख क्या होता है मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उसको क्या पता, वो तो खुद ही बांझती, उसको क्या पता बच्चा क्या होता है। उसने तो बच्चा, जो बच्चा भी है उसके पास, वो भी चीटिंग से है, वो भी उसने ईमानदारी का नहीं है, तो उसके किए के सज़ा भगवान उसको दो। उसको कीड़े पड़े, उसको गंदी बीमारी लगे, मतलब उसको कहते ना कोड, एड्स, मतलब हर तरह की गंदी बीमारी, दुनिया की जितनी गंदी बीमारी है सबसे गंदी बीमारी लगे, लेकिन उसको मौत नहीं आए। ये गंदी बीमारी से वो सड़ सड़ के मरे, उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आए ना कि कोई उसके बाजू में बैठे नहीं, कोई उसके हाथ का खाए नहीं, समझ रहे हो, ऐसी भी उसके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं बनता है। लेकिन उस बच्चे तक कुछ ना है, उसके किए की सज़ा उन सबको मिले जो उसका साथ देते हैं इस करने में, जो सारा सच जानते हैं, सारा सच जानते हैं उसके बारे में कि ये औरत गलत है, तो भी उसके साथ रह रहे, खा रहे, पी रहे, चाहे उसका खुद का पति क्यों ना हो, अगर वो भी है उसके अंदर शामिल, तो उसको भी उसकी बराबर बराबर सज़ा मिलना, क्योंकि ये सारी सज़ा एक बच्चा भुगत रहा है, तो बच्चे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है माँ होना क्या होता है, ऐसी औरतों को क्या मालूम, ऐसी औरतें दूसरों के बच्चे को बलि दे के अपने बच्चे को लाती हैं, मालूम है ये बात है। तो ये जो काली मुठ मारी है ना मैंने, इसका रिज़ल्ट दिखेगा, और पूरी पूरी तरह से रिज़ल्ट कब तक दिखेगा मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि
मैंने जो वार किया उस वार का काट अभी तक ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वार मैंने बहुत गलत, क्योंकि ये मेरी जितनी सिद्धियां हैं और मेरी जितने मंत्र हैं सिर्फ मैं जानती हूँ। ग्रुप में भी कितने लोगों ने नाटक किया है, मैं ईमानदारी से उन लोगों की चीज़ें उन तक पहुँचा रही हूँ। कुछ चीज़ें उनको मिल रही तो इग्नोर कर रहे हैं। जैसे एक लेडीज है, उसको तो वो जहाँ रहती है उसकी ज़मीन में खजाना पड़ा है, मैंने उसको कहा वो चीज़ दिखने वाली है, उसने भी मुझे इग्नोर किया है ना। एक मेरे भाई हैं रामकृष्णा जी, उनको भी मैंने कहा तुम्हारी चीज़ें तुम तक, तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, शक्तियाँ तुमको साक्षात दर्शन करने, मतलब वो लोग मुझे मना नहीं कर रहे, उल्टा नहीं बोल रहे, लेकिन मैं बोल रही शक्तियों का अपमान मत करो, क्योंकि यहाँ अब क्या है, अब ताकत बढ़ चुकी है, ताकत बहुत बढ़ चुकी है। पता है आपको सानिया परसों आई थी, वो हैरान हो गए कि मैं तो आपके साथ एक बार गई थी धावजी पाटिल, यहाँ पे साक्षात धावजी पाटिल आके खड़े हो गए, ऐसे कैसे। ये बात है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, ये बात है, क्योंकि विद्या देवी बनाने में बिलीव रखती है। मेरा कहना है कि मैं लोगों को बनाने में बिलीव रखती हूँ। मैं कल केशव पप्पा से ही बैठ के बात कर रही थी, मैंने बोला कि मैं फ्राइडे को मंदिर तो जा रही हूँ, वहाँ पे हम पूजा करते अभिषेक करते सिर्फ अपने केशों के लिए, लेकिन इस बार हम ये बोला है कि जो लोग बार बार मेरे यहाँ शमशान की राख फूंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो मेरे बच्चे को आने से रोक रहे हैं, इस बार उनके साथ कुछ गलत होगा। तो मुझे डर लगता है कि गलत होगा, और पता चला कोई अगर मतलब कोई जान पहचान वाला निकला तो क्या करेंगे फिर उसके साथ, गलत तो अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों नहीं होने दें, जो गलत किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तू थोड़ी किसी का नाम ले रही है, तू नाम नहीं ले रही है, तू अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही है। जिसने गलत किया रहेगा उसको उसकी पूरी सज़ा मिलने दे, चाहे कोई भी हो, उस बात में पीछे नहीं हटने का। ये बात तो मुझे धावजी पाटिल ने भी कहा कि इंसान परख ना सीख, इंसान पहचान ना सीख। तो मैं तो यही बोली धावजी दादा को कि मुझे तो इंसान की परख नहीं है, आपको तो है ना, आप हो ना, अब आप सज़ा दो, वो सज़ा देंगे। और दूसरी बात, जिसको भी ये जो शक्तियाँ चाहिए, जिनका भी काम लिया है, प्लीज़ शक्तियों से मजाक मत करो। आप शक्तियाँ लो, शक्तियाँ हम आपको देंगे, सिद्ध करके देने का मेरा दम है, सिखाने का मेरा दम है, लेकिन उसके साथ चीटिंग मत करो, शक्तियों को खेल मत बनाओ। शक्तियों को खेल बनाओ कि शक्तियाँ आपको खेलने लगी, क्योंकि ये शक्तियाँ जितनी पावरफुल होती है और जितनी अच्छी होती है उससे 100 गुना ये ख़राब भी होती है। अगर आपका अच्छा कर सकती है ना, तो जब बिगाड़ने पे आएगी ना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसलिए मैं आज पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि हे काली माता धावजी दादा, मैं आपको पूरे वचन से बोल रही हूँ कि ये जो करनी, जो जिस औरत की करनी है, जो भी मेरे केशों के पीछे पड़ा है, मेरे प्रभु के पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है ना, उसकी सज़ा सिर्फ उसको दो, उसके बच्चों तक मत आओ। नहीं करनी मुझे किसी की कोख सुनी, भाई मेरी कोख में मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मैं किसी की कोख सुनी क्यों करूँ। लेकिन हाँ, जिसकी किए की सज़ा उसको ही दो, पूरी दो, ऐसी दो सज़ा, छोड़ो मत उसको। उस दुनिया की सारी गंदी बीमारी दो, मतलब अगर वो बैठे भी ना तो गंदी सड़ी बदन पूरा सड़ जाना नहीं, सड़न की बदबू आनी चाहिए गंदी की। मैं पहले बहुत पहले ना प्रभु यीशु कह जाती थी, मेरा हनी ना प्रभु यीशु का वो है, पहले मैंने पहले मिडिल क्लास से तो बहुत पहले प्रभु यीशु कह जाती थी, मेरा हनी भी ऐसे ही था। मेरे हनी के टाइम पे मैंने काढ़ा वाढ़ा सब पिया था गिराने के लिए, क्योंकि 3-2 बच्चे पहले छोटे थे ना, तो भी सबने बोला था नहीं आप प्रभु यीशु कह जाके मांगे हो ना नहीं गिरेगा। तो वहाँ पर एक औरत आती थी, वो अच्छी खासी थी, बैठी रहती थी, उसके शरीर से इतनी गंदी बदबू आती थी ना जो सोचने वाला नहीं था, मतलब एक सड़ा हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, अभी मैं जा रही हूँ मलाड़ में, काली माता का मंदिर है, वहाँ जाके ये मनाऊँगी कि माँ ये जो औरत है इसको मैं जानती हूँ, क्योंकि सबूत कल ही मिल गया। अभी परसों ही धावजी पाटिल ने दर्शन दिए और फिर सबूत मिल गया, क्योंकि ये औरत क्या चाहती मालूम नहीं, लेकिन इसकी सज़ा सिर्फ इसको 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 मिले, और इसके साथ इसके साथ देने वालों को मिले, चाहे कोई भी हो, इसकी सगी माँ हो, इसका खुद का पति हो, इसका भाई हो, इसका जेठ हो, जिसके साथ इसने मुँह काला करके ये गलत काम किया वो हो, सबको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब इनका बदन पूरी तरह से सड़ना चाहिए, मतलब शक्ल पे सब उल्टी करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बस। और ये मुठ मैंने मार दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है दिन भर भी मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे भी बच्चों का ध्यान देना है। लेकिन ये है कि आज जो मैंने काम किया है मुझे पता है बहुत अच्छा है, और हम लोग अभी जो मैं फ्राइडे को जाने वाली हूँ काड़ूबाई, फिर उसके बाद कहते हैं ना धावजी दादा के मंदिर में, तो सानिया चली रही है, क्योंकि मैंने उसको कहा है सानिया को, अनु जी को, कि कोई तो है हमारे ग्रुप का जो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, रास्ता रोक नहीं पाता है लेकिन रोकने की कोशिश करता है, उस चक्कर में मेरे प्रभु से भी झगड़ा होता है। तो उन लोगों ने क्या कहा है, पहले तो आप अपने प्रभु से बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो, अगर ऐसा लगे तो बात ही नहीं करोगी 2-3 दिन, लेकिन और जो पूजे में अर्चन डाल रहा है उसने धावजी दादा के नाम पर कुछ किया है, बोली अभी ऐसा होगा जो इस काम में अर्चन डालेगा उसके साथ ऐसा होगा जो वो सोच भी नहीं सकती, मतलब दोबारा वो ना पूजा करने लायक रहेगी ना कुछ, मतलब ना उसका हाथ माला पकड़ने के लायक रहेगा ना उसको कोई देखेगा, मतलब समझ लो या तो उसको लकवा मार देगा या कुछ तो कुछ उसके साथ ऐसा होगा जो आजीवन वो पूजा करने के लायक नहीं रहेगी, फिर दोबारा वो मंत्र
नहीं पढ़ पाएगी, ये हाल उसके साथ होने वाला है। बाकी हम यहाँ से जाने वाले हैं काड़ूबाई धावजी दादा के मंदिर, फिर वहाँ से मैं सिद्धोद गई थी, रेणुका यल्लम्मा माँ के मंदिर गई थी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी रहने वाने की फैसिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से मैं वहाँ ठीक से पूजा नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं मन्नत मांग के आई, मेरा कैश होगा तो मैं नाश्ते ढूंढते जाऊँगी, इसलिए मैं नांदेड़ जा रही हूँ। नांदेड़ में जो रमा रेणुका यल्लम्मा माँ का मंदिर है, जिसका हमेशा फेसबुक पर सब जगह उनकी फ़ोटो आती, वहाँ जाऊँगी। आते समय सप्तशृंगी मंदिर करेंगे, और हो सकेगा तो कोशिश करेंगे जयजूरी जाके आएंगे, जयजूरी खंडोबा। लेकिन मेरे को सुनीता ने बोला है माँ बहुत ऊपर है, लेकिन मैं देखूँगी क्या होता है, लेकिन ये तीन देवियों के दर्शन तो ज़रूर होंगे, और जब ये होंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। इससे पहले ही बोलूँगी, काम नहीं कराना है मत कराओ, लेकिन दिमाग पे मत लगो। आपका कहते हैं ना, आप किसी का बुरा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर आपका बुरा हो जाएगा। अच्छा नहीं कर सकते हो ठीक है, अच्छा नहीं बोल सकते हो ठीक है, लेकिन बुरा बोल के अपने लिए काल मत पैदा करो। कल मेरे, अभी आपको पता है, सुबह सुबह मेरे चतुरानंद भैया का रात को 1 बजे मैसेज आया, दीदी आपको क्या लगता है, मतलब पूरा विंध्य समाज, मतलब विंध्य पंडित, विंध्याचल की बेटी हूँ ना मैं, विंध्य समाज, मतलब पूरे 5100 पंडितों की अकेली बहन हूँ मैं वहाँ पे, तो वहाँ के सारे पंडित भड़क गए, बोलते कौन है दीदी जो आपके पीछे पड़े, ऐसी बातें। तो कोई नहीं, मैंने भाई को कहा आप हो तो मुझे चिंता नहीं, सच बोलूँ ना, ये जो सारा कांड यहाँ हो रहा है ना, अगर गलती से कांड विंध्याचल में होता ना, तो अब तक कितने लोगों के ऊपर आम के पेड़ लग चुके होते, दिन दहाड़े हम काट के फेंक देते, कोई डरता, हम लोग को डर नहीं वहाँ पे किसी का, ये बॉम्बे पड़ जाता है ना, इससे थोड़ा सोचना पड़ता है। कोई नहीं, मैं इसलिए अपने केशव को, पापा को बार बार कहती हूँ, एक बार गाँव चलो, एक बार अपनी पहचान देख कर आओ, एक बार अपनी पहुँच देख के आओ, तुम यहाँ पे किसी को हाथ, तुम यहाँ किसी को तुक्की नहीं दोगे, जब तुम वहाँ जाओगे ना, तुम अपनी पहुँच देखोगे ना कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारी वहाँ पे क्या ज़मीन जायदाद है, तुम एक बार देखोगे ना, तो यहाँ पे तुमको रहने का मन छोड़ो, या किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, फिर तुमको ये घर, ये बॉम्बे, तुमको ऐसा लगेगा कि माचिस की डिब्बी है तुम्हारे लिए, ऐसी बात है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ है। मेरे चतुरानंद भैया हैं, इतना बड़ा पंडित समाज है, तुम एक बार चलो फिर देखो, यहाँ तुमने एक सिर्फ नकली बंदूक चलाई तो साले जिसको नहीं आना चाहिए था वो आ गए, वहाँ तुमको मेरे भाई असली बंदूक देंगे, बकायदा लाइसेंस, और बोलेंगे चलाओ, फिर देखो क्या होता है, ऐसे ये बात है। लेकिन कौन समझाए केशव के पापा को, हाँ लेकिन ये है कि मेरा केशव होगा तो मेरे केशव पापा जरूर जाएंगे। मैं उनको बोलती हूँ बार बार, तुमको भिवंडी जाने का टाइम भले बरोबर है, पता नहीं वहाँ क्या है, मुझे कभी कभी लगता है कि पक्का बीवी से ही प्यार है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हार्मोन चेंज हो गया और साले से प्यार हो गया, कहीं उस पर तो दिल नहीं आ जाता है तुम्हारा, ऐसे मैं चिढ़ाती हूँ, होता है कभी कभी हमारे में, क्या है ना, आदमी का कुछ भरोसा नहीं तो मारते मुझे एक झापड़ मजाक में, ऐसा मजाक चलता है, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो तो 24 घंटे सामने ही रहती है, उसके लिए तो नहीं जाते होंगे, क्या है ऐसा। तो हाजीदा बोलते हैं अरे कुछ नहीं माँ, एक्चुअली कैसा फैमिली है ना, फैमिली के हिसाब से जाते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी डर लगता है कि हार्मोन तो चेंज नहीं हो गए, कभी बीवी के बदले साले पे तो दिल नहीं आ जाता है कि जाके थोड़ा उसके साथ भी चलो जाऊँ मज़े मार के आ जाऊँ, ऐसा तो कुछ मन नहीं करता है, होता होगा भरोसा नहीं। तो मैंने कहा है कि एक फिर मेरी भी मायके चलो भाई, जब अपने इधर जाते हो मुँह उठा के, मेरी भी मायके चलो, यहाँ तो पता नहीं इज्जत मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन वहाँ तो चलो, वहाँ तो तुम्हें सब सर पे उठा के घुमाएंगे, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी क्या इज्जत है। हाँ लेकिन हमारे गांव में हमारी माँ बहनें हर महीने नहीं आती हैं, साल 6 महीने में एक बार आती है तभी इज्जत मिलती है, अगर हर महीने पहुँचे रहेंगे ना तो हमारे में फिर दामाद को कुत्ता कहा जाता है। इसके लिए बाबा मैं अगर आपको लेके भी जाऊँगी तो 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार, हाँ हमारी ज़मीन जायदाद होगी तो भले रहो, लेकिन हमारे में दामाद को घर पे रोज़ एंट्री नहीं है, हर महीने तो बेटी को भी एंट्री नहीं है कि हर महीने क्या मुँह उठा के आना, अपना घर देखो, दरवाज़ा देखो, जब ज़रूरत पड़े तो। हमको तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि कभी भी झगड़ा करके मुँह उठा के मायके मत आना, उल्टा मायके में ससुराल में मर जाना, तेरी अगर ससुराल वालों की गलती नहीं तो हम उनको काट के फेंक देंगे, लेकिन ससुराल से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, ये हर वक्त मुंह उठा के नहीं आने का। मेरे पापा मुझे सिखाते थे बेटा हर वक्त मुंह उठा के झगड़ा करके मायके से ससुराल से मायके मत आया करो, मेरी भी घर में एक बहू है, तुम्हारा देखा देखी वो भी बिगड़ेगी, वो भी फिर अपने मायके जाके रहने लगेगी, तो हमको कौन देखेगा, इसके लिए नहीं। बेटियों का के त्यौहार में शादी ब्याह में आना ही शोभा देता है, चलो बाजू में रहती तो 2-3 महीने में एक बार फेरा मारना ही शोभा देता है, हमेशा अगर लड़कियाँ मुँह उठा के आने लगे ना तो उस घर में इज्जत कम हो जाती है, ऐसी बात है। फिर ये होता है ना कि फिर से कुछ लेने आ गई क्या, फिर से कुछ मांगने आ गई क्या, मेरे साथ हुआ है ऐसा, जब मैं मिडिल क्लास थी, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं हो पाता था, तो मैं झूठ नहीं बोल के मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी, वो मुझे बहुत इग्नोर करती थी, देती थी, ऐसा नहीं है नहीं देती थी, लेकिन मैं बहुत दूर से नाला सुपारा से बस वस पकड़ के आती थी, पैसे नहीं रहते थे,
वो औरत मुझे रिटर्न कर देती थी। मैं देखती थी मेरे सामने वो मेरी भाभी को कार्ड थमा देती थी कि जाओ बच्चों को बुक बुक लेके आओ, लेकिन जब मैं मांगती थी तो हमेशा बोलती थी क्या बिना बेटा अभी पैसे नहीं, तुम ऐसा मुंह उठा के जाते हो। मेरे पापा ने मुझे कितनी बार मेरा दिल दुखाया है, क्या बोलते थे, फिर से कुछ लेने आ गई क्या, फिर से कुछ मांगने आ गई क्या। तो मैं सोचती थी कि मैं तो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आती तो इतनी बेइज्जती होती, फिर मैं किसी के लिए सोचती हूँ कि कोई हर महीने मुंह उठा के जाता है तो क्या बेइज्जती नहीं होती होगी, सामने वाला नहीं बोलता होगा, अजीब खानदान है, होता होगा पता नहीं। लेकिन मैं तो बाबा मैंने तब से लेकर आज तक का मेरा नियम है मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, मुझे सिर्फ मेरा घर पसंद है। पूछे अन्नू जी से, मेरा इतने सार का रिलेशन है, मैं अन्नू जी को भी उनके घर के नीचे छोड़ दूँ, उनके घर के पे पायरी भी नहीं चढ़ी आज तक, मैं नहीं जाती किसी के घर, मुझे मेरा ही घर प्यारा है, मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, मुझे मेरे ही घर में नींद आती है, मुझे मेरे ही घर में पेट भर के खाना जाता है, मैं किसी के घर नहीं रुक सकती, मैं ऐसी हूँ। तो आप सब भी ऐसे सीखो, अपनी इज्जत बनाओ, अच्छा रहेगा। जय माता दी।